सर दोस्त क्योंकि ये ब्लॉग में ना पूरे डलेंगे आज ये ये फुल ब्लॉग है भाई साहब। हाँ ये है मेरा पहली बार इसमें कोई पकड़ में मजा आएगा। हाँ, तो मेरे लिए बोल ये है योगेश सिन्हा जो आपके सामने बैठा है मेरे ठीक करतार सिंह जी ना देखो भाई अन्ना का भी ले लिया अन्ना स्माइल अन्ना को करके स्माइल दे अन्ना स्माइल तो यहाँ पे हमने मैं स्पीड में कर देता हूँ इसको बार बार तो आप देख रहे होंगे रास्ते में एकदम नारियल के चारों तरफ पेड़ हैं और हम इस गाड़ी में मस्ती करते हुए जा रहे हैं थोड़े स्पीड में इसलिए मेरे के आईफोन में एक सुविधा है तो जो बड़ी वीडियो उसको टाइमलेस बोलते हैं एकदम छोटी हो जाती है। तो ये देखो चारों तरफ ग्रीनरी छा रही है एकदम मज़ा आ रहा है। और चारों तरफ बहुत सारे लोग हैं एकदम गाड़ियां फुल चल रही है स्पीड में गाड़ियां चलाते हैं है ना। हमारी गाड़ी में गाने भी बज रहे थे और क्योंकि ये आ जाएगा कॉपीराइट इसलिए कुछ गाने हमने छोड़ दिए। तो ये योगेश बता रहा है देखो मैंने इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग की है और ये रोड है एकदम मतलब डेंजर रोड बोल सकते हैं वन वे है तो साधन इसमें सामने से आएंगे और जाएंगे भी और स्पीड इतनी ज़्यादा होती है। अब ये शानदार जगह है आपको साइड में दिख रही होगी एकदम ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। हम मतलब इसमें कम से कम हम 50 किलोमीटर इसके अंदर चले तो 50 किलोमीटर के अंदर लगभग 500,000 इसमें टर्न है हर 20 या 30 मीटर पे टर्न आता है। ये मैं फिर से स्पीड में कर दिया हूँ मैं कि टाइम बचे मेरा तो क्योंकि मैं आगे बैठ गया था तो अब पूरा अच्छे से बना रहा था मैं ब्लॉग है ना। अभी मैं पीछे ही हूँ हालांकि अभी कुछ देर बाद हम सेल्फी पॉइंट पे रुकेंगे फिर मैं आगे आ जाऊँगा कि मैं अच्छे वीडियो बनाऊँगा। ये देखो ये लगभग एक घंटे की वीडियो जो लगभग 10 या 15 सेकंड में कंप्लीट है इसलिए स्पीड में। ये देखो यहाँ के टर्न में आपको और आगे वाले टर्न दिखाऊँगा चारों तरफ पेड़ हैं एकदम पहाड़ियाँ हैं नीचे इतना शानदार लगता है ना आप सफ़र में जाते हुए एकदम मज़ा आता रहता है ना। ये देखो ये गाड़ी हमने बुक की है ये शिफ्ट डिजायर गाड़ी है यहाँ से हमने 50 किलोमीटर से और ऊटी की सभी जगह ये ड्राइवर घुमाएगा क्योंकि हमें तो पता नहीं था कि वहाँ पे क्या चीज़ें हैं। तो 3,500 में वो पैसे बता देता हूँ को 3,500 में हमने बुक किया था ये ऊटी की लगभग 6 या 7 जगह इन्होंने जो भी फेमस है ज़्यादा वो घुमाई थी। देखो बीच बीच में बस स्टॉप भी है क्योंकि गाँव है साइड में थोड़े थोड़े और ये पहाड़ी पहाड़ों पे जाता है जितने भी ये पहाड़ आपको दिख रहे हैं एकदम ग्रीनरी आपको देखने में अलग ही मज़ा आ जाएगा है ना। लोग मोटरसाइकिल से ट्रक बस ये सारी चीज़ें चलती है इस पर है ना पर्सनल गाड़ी से भी जाते हैं लोग है ना। ये देखो टर्न बहुत ज़्यादा इधर ये साइड में झरना भी बह रहे हैं 2-3 जगह झरने बह रहे थे। ये देखो एकदम शानदार पहाड़ियाँ कितने नीचे अगर नीचे एक भी गया ना भाई मिलेगा नहीं बिल्कुल। ये देखो ट्रक आपके सामने चलते रहते हैं और साइड नहीं देते हैं सबसे बड़ी बात है एकदम आप कितना भी ये देखो ये जो आपको साइड में ये बस स्टॉप है यहाँ पे जो आसपास के लोग हैं और यहाँ पे रास्ते में जो आपको टर्न आता है वहाँ पे लिखा होता है कि ये हाथी की क्रॉसिंग की लाइन है ना। तो वो सारी चीज़ें भी आपको बीच बीच में देखने को मिलेगी है ना। हम खुद की सेल्फी ले रहे हैं एक बार की कि हम कैसे लग रहे हैं इस गाड़ी में बैठे हुए तो हम ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। ये मैं जो बाद में दे रहा हूँ ये सारी चीज़ें देखो मैं सेल्फी ले रहा हूँ पीछे का नज़ारा दिखाने के लिए सबको बोल रहा हूँ भाई आ जाओ सभी आ जाओ। और अब आ गए हम फ्रंट सीट पे ड्राइवर के साथ देखो यहाँ सबसे पहले हमें ड्राइवर ने उतारा था कि चलो सर आप ये गार्डन घूम के आ जाओ है ना। ये टी गार्डन था तो सामने पहाड़ से टी दिखती है ना। तो ये करतार पानी लेने पहुँचा पर पानी हमने मिला नहीं फिर हम वापस चल दिए नीचे की गार्डन को देख लिया जाए। मैंने क्या है इसके वीडियो कुछ स्पीड में कर दिए कि हमारा ब्लॉग बड़ा ना बने और वो लोग आगे पहुंच गए। मैं इसको बोल रहा हूँ योगेश को कि मेरी देखो हम तीनों फ़ोटो खिंचवा रहे हैं भाई अच्छे से खींच ले थोड़ा सा स्टाइल मार रहे हैं हम आपस में। ये जो सामने आपको दिख रहे हैं ये टी बागान है ना जो क्योंकि पहाड़ पे ही होती है ज़्यादातर पहाड़ पे ही इन्होंने कर रखी है टी
है ना, फिर हम सिड्डियों से जल्दी जल्दी चंडे फिर पहुंच जाते हैं आगे कि भाई यहाँ फिनिश करते हैं, क्योंकि हमें ऊटी जाना था। ये ऊटी और कोयम टूर के बीच रास्ते की ये फोटो ले जा, फिर चलते हैं। वो कैटरी पार्क था, फिर उससे आगे हम कैटी चाय पीने रुके, तो मैं बोला यार मेरी एक वीडियो बना दे इंस्टाग्राम के लिए, तो योगेश ने शूट किया। ये बोल रहा है कि अच्छे से सावधानी से जा, अब मैं देखो यहाँ पे फोटो खिंचवा रहा हूँ, उसके बाद थोड़ा सा सावधानी से रोड क्रॉस करना है। मैं दोनों तरफ देख के क्रॉस कर रहा हूँ थोड़ा स्पीड में, क्योंकि बहुत स्पीड में ये हम आ चुके हैं चाय के बागानों में वहाँ तक सारी जगह। ये जो जितने भी इंडिया में बोल रहा था कि चाय के बागान है, हमने अंदर जाके देखे हैं, फिर हम वापस से चल दिए, गाड़ी में आ चुके हैं। गाने भी बज रहे हैं साइड में, देखो डंपर जा रहे हैं। ये बीच बीच में है जगह आती है, दो रास्ते छटते हैं कभी कभी, और ये अन्ना हमारे ड्राइवर ये अच्छे से सारी चीज़ें जाते हैं क्योंकि रेगुलर चलते हैं। कॉपीराइट की वजह से मैं अपनी आवाज़ दे देता हूँ यहाँ पे, गाने पे हम डांस करते हैं। देखो ये आ गया है, कन्नूर शहर है जो इसके पास में, वो आ चुका है, अब हम उसमें गुजरेंगे। यहाँ पे आर्मी की कैंट है, शानदार नज़ारा देखने को मिलता है। एक गाने सुनते हुए जा रहे हैं रास्ते से, देखो छोटा रोड है, तू भी होता तो ठीक रहता, जाने आने का ही तो दिक्कत तो आती है। यहाँ पे आराम से गाड़ी चल रही है, शहर आता है तो मैं ये छोटे छोटे वीडियो बनाता था जिससे हम ये चल रहे, तो हम रास्ते में धीरे धीरे आसपास की चीज़ें आपको अच्छे से दिखाई, चारों तरफ पहाड़ियाँ भी आती हैं, मिट्टी के भी आते हैं थोड़े थोड़े, और रोड एकदम देखो ये यहाँ पे मद्रास रेजिमेंटल है, मतलब आर्मी का यहाँ पे जो है एक टुकड़ी है जो आर्मी की यहाँ पर रहती है, बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है ना, तो एकदम सुरक्षा की दृष्टि से भी सेफ है। हम आपस में यहाँ पे पहाड़ों की चर्चा कर रहे हैं कि ये वो पहाड़ी है, गूगल तो किसी ने सर्च किया नहीं, पर अपने अपने तुक्के मारते जा रहे हैं। और ये मुझे सबसे शानदार शहर लगा जो साइड में बस रहा है, देखने में भी इतना खूबसूरत लगता है ना इधर की साइड, एकदम सामने पहाड़ियों पे बसे हुए। देखो रास्ते में आपको पेट्रोल पंप भी मिलेंगे, आप बाई द रोड आओ कार से आओ तो आपको कई पेट्रोल पंप है रास्ते में, मतलब हर 10-5 किलोमीटर के अंदर आपको पेट्रोल पंप मिल जाएंगे। यहाँ पे हम रुके हैं अभी, देखो यहाँ पे हम दूरबीन से देखेंगे कि सामने क्या दिखता है, तो यहाँ पे 10 या 15 रुपए का टिकट था, इससे हम अंदर आए दूरबीन से देख रहे हैं। एक में तो कॉलेज ही दिखता है, पता नहीं फिक्स कर रखी है एक बड़ी वाली दूरबीन, तो छोटी वाली इसको दिखा नहीं, तो हमने ऐसे उसको ऐसे तैसे बोल के कुछ दिखता तो है नहीं ऐसे बोल के, फिर सेल्फी पॉइंट पे आके उसके साइड में सेल्फी पॉइंट था वो लेके हम वापस से कार में चल दिए। कार वाला साइड में रोकता, हम देखते चीज़ें वापस आते, वो बेचारा वेट करता रहता, क्योंकि उसको हमने फिक्स ही कर लिया था पूरा कि हम शाम तक आएंगे, शाम को हमें जहाँ से लिया है वहीं वापस छोड़ना है, हमने ये पहले ही तय करके गए थे। और ये जितने भी अब आप आगे देखोगे ये सारे ऊटी के हैं, मैंने कई बार है ना बचा है मामला।
देखो हम इस पार्क में आ चुके हैं, ये चारों तरफ यहाँ के अच्छे खासे नज़ारे हैं, है ना। तो इसमें पार्क में हमने क्या, हमने बोल के कि हम आर्मी से हैं तो ऐसे एंट्री ले ली थी, नहीं तो इसका टिकट 20-20 रुपए था। हमने बोल के इस तरीके से इसमें सारी कटिंग, इतने मतलब पेड़ों की कटिंग अच्छे से, इसमें झूला भी है, इसमें पुल भी है, और तो बहुत बड़ा पार्क है ये, है ना। यहाँ के इस गार्डन का नाम है कर्नाटका हॉर्टिकल्चर गार्डन। तो इसमें देखो यहाँ पेड़ पौधे एकदम शीशे के उसमें सजाए जाते हैं आराम से, पेड़ पौधे देख रहे हैं हम, किसके किसके जानते तो कुछ नहीं, पर एक बार ऐसी फ़ोटो के चक्कर में सारा कुछ ट्राई मार रहे हैं कि इधर उधर क्या है। फिर ये हमने कुछ फ़ोटो खिंचवाए इधर आके, ये बड़ा गार्डन देखो, कटिंग देखो आप पेड़ पौधों की। तो यहाँ पे कितने मजदूर रोज़ काम करते, देखो कितना प्यारा एकदम इंसान जैसे बना रखे हैं ये। मैं अकेला ही घूम रहा था तो ऐसे ही बना लिया। देखो ये यहाँ पे एकदम स्टेज है, स्टेज पे कुछ गा सकते हैं अगर। देखो ये पुल है, ये बहुत बड़ा पुल है, यहाँ पे लोग इधर उधर क्रॉसिंग करते हैं, यहाँ के फ़ोटो खिंचवाते हैं, है ना। तो ये कर्नाटका गार्डन है, इसका मैंने बाहर से नज़ारा। अब बोट हाउस में आ चुके हैं हम, एंट्री इसका 20-20 रुपये बोट हाउस की एंट्री है। यहाँ पे देखो एंट्री होती है, हमने सोचा यहाँ भी फ्री में चल जाएगा, पर चला नहीं, हम वापस टिकट लेके आए। उसके बाद यहाँ पे वो सील लगाता है, ये देखो सील लगा रहा है, है ना। ये मैं टिकट शो कर रहा हूँ आपके लिए। फिर हम आगे जाते हैं, यहाँ पे बोट करने का है। आप तो बोट थोड़ी महंगी है, 1000-1000 रुपये, 900-900 रुपये में। तो हमने तो ली नहीं, बस हमने देखा इधर, दो चार फ़ोटो खिंचवाए और थोड़ा बहुत कुछ खाया, और उसके बाद हम सीधे आ गए हैं बोट से बाहर। फिर आगे चल के हम साइड से सीधा अपनी गाड़ी के पास पहुंचते हैं, गाड़ी हमने यहाँ से वापस से ली। उसके बाद हमने यहाँ पे खाना खाया साइड में, है ना। मैंने नहीं खाया था क्योंकि नॉन वेज ज़्यादा था। तो उसके बाद हम आ चुके हैं, ये दूसरा बॉटनिकल गार्डन। इसके 50 रुपया किराया था इसका पर पर्सन का, है ना। तो मैंने सोचा जूलॉजिकल पार्क समझ गए कि जानवर भी मिलेंगे। ये सिर्फ बॉटनिकल पार्क था जिसमें सिर्फ पेड़ पौधे आपको सब टाइप के दिखेंगे। वही जो हमने शीशे वाला आपको वहाँ दिखाया था, यहाँ भी है, है ना। तो यहाँ पे भी वही सेम पेड़ पौधे फूल वगैरह के बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे भी निरीक्षण कर रहे हैं हमारे 3 महान साइंटिस्ट। तो उसके बाद हम ये चारों तरफ देख के पेड़ पौधे के किस टाइप के हैं इससे बाहर आते हैं। और कई पेड़ तो अच्छे अच्छे दिख रहे थे, खुशबू आ रही है। देखो ये हज़ारा के पेड़ है, ये तो हमारी साइड भी दिखते हैं। उसके बाद पेड़ हमने आपको दिखाए, उसकी मतलब हर टाइप के आपको फूल वाले पेड़ भी दिखेंगे सब टाइप के। उसके बाद हम एंट्री बाहर लेते हैं, मैं अच्छे से दिखा देता हूँ। ये आ गए भाई साहब पूरी खोजबीन करके चारों तरफ, तो ये हमारे गार्डन की खोज पूरी होती है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, गार्डन ज़्यादा ही दिखा दिया लग रहा है मैंने ये। और पेड़ मैंने यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाया था ऊपर जाके, है ना। ये बॉटनिकल गार्डन है इसके सामने, और यहाँ पे हर चीज़ की कटिंग इतने अच्छे से की है ना, तो अपना आप ही खूबसूरत बन जाता है। लोग काफ़ी लोग घूमने आते हैं। उसके बाद ये हमारा क्या है, ब्लॉग यहाँ से वीडियो जो मेरे आईफोन से बने थे वो हो जाते हैं फिनिश। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो फ़ोटो खींचे हैं कुछ उनके नज़ारे हैं ये, अभी आपको फ़ोटो दिखाई देगा एक एक अच्छे से। यहाँ पर ये मैंने एक रील्स बनाई थी, ये देखो फ़ोटो, ये सभी मतलब जो पूरा आपने जितने फ़ोटो देखे वहाँ पे हमने फ़ोटो खींचे हैं, जो कुछ शानदार से मेरे ज़्यादा हैं। एक एक इनके भी ले लिया मैं, इनकी ये बोलेंगे भाई हमारे ब्लॉग में क्यों नहीं लिया तो एक एक इनको भी डाल दिया भाई, है ना। तो इस तरीके से खिंचा लिया हमने इस गाड़ी, मैंने भी गाड़ी के आगे इसलिए खिंचवाया कि भाई गाड़ी खो जाए तो कम से कम हम ढूँढ तो लें, इसके नंबर याद रहे हमें। इस तरीके से बहुत सारे फ़ोटो खिंचवाए, मतलब मज़ा आ गया ऊटी जाने में। ऊटी है जो तमिलनाडु में आता है, है ना। बहुत शानदार शहर है, बहुत पहाड़ी पे है, है ना। ये सारी जगह खींचे हमने, रास्ते में हमने ये चाय के बागान देखे, यहाँ पे चाय भी पी, है ना। एक चाय 25 रुपए की थी, तो चार चाय हम लोगों ने पी थी। और उस तरीके से हम आगे बढ़े, ये देखो आपको ये फ़ोटो है हमारा दूरबीन से जहाँ से हम नीचे देखते हैं, ये भी उधर का ही है। ये जो कर्नाटका गार्डन उसके बाहर का फ़ोटो है, मैंने कई सारे लिए जिससे पता चल जाए, है ना। ये कर्नाटका गार्डन के अंदर की फ़ोटो हैं सारी की सारी जो आपको अभी दिखाई दे रही है, है ना। ये भी उसी के अंदर की है, है ना, कर्नाटका गार्डन की है, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम, और क्योंकि हमारा एक दोस्त खो गया था तो उसको ढूँढने में, ये उसके सामने से हमने फ़ोटो खिंचवा रखी है।
ये फ़ोटो आपको शानदार दिख रही होगी। मैं बोला यार करतार उठाता हूँ आपको, देखो मैं करतार को उठा लिया। उसके बाद ये एक और फ़ोटो खिंचवा रहे हैं हम। इसके मैंने इसमें जिम भी लगाई थी पर वो करतार के फ़ोन में है ना। हम चारों दोस्त गए थे आज घूमने उधर। ये चारों, ये है हमारी पूरी गैंग। ये तितली बनी हुई थी बोट गार्डन में। ये देखो भारत का नक्शा जिसमें सारे स्टेट थे। और ये हम अपनी डोले सोले दिखाते हुए। और ये देखो मैं बोला था आपको मैं पीछे जाऊंगा, वहाँ पे जाके भी एक रील से मेरी इंस्टाग्राम पे मैंने डाली है वो आई लव यू ऊटी। मैं लव का साइन भी दे रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच सभी को देखने के लिए। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।